और अब हम आपके सामने बीजेपी की राजनीतिक प्रयोगशाला के उस सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो गुजरात में हुआ है। आज से पहले आपने कैबिनेट विस्तार देखा होगा, कैबिनेट में फेरबदल भी देखा होगा, लेकिन गुजरात में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। एक चलती फिरती सरकार के बीच में ही पूरी कैबिनेट बदल दी गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जानकार इसे बीजेपी की उस नो रिपीट थ्योरी से जोड़कर देख रही है जिसका ट्रेलर कभी छत्तीसगढ़ में दिखा जब 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के सभी 10 सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया। तो कभी दिल्ली में दिखा जब 2017 में दिल्ली नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने मौजूदा पार्षदों का ही टिकट काट दिया था। लेकिन यह मामला उन सबसे बड़ा है और इसे 2022 में होने वाले गुजरात के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या 2022 के गुजरात चुनाव में ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? हमारी अगली रिपोर्ट गुजरात के इसी उलटफेर की इनसाइड स्टोरी है। गुजरात के सियासी एल्बम की ये ग्रुप फोटो खींची तो जा रही है 2021 में, लेकिन इसके मायने और मतलब दूर तक तलाशे जा रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान की सियासत ने ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी जब एक ही पार्टी की सरकार रहते हुए सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बदला, पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी गई। ये वो कुछ बड़े चेहरे हैं जो गुजरात की नई कैबिनेट में शामिल हुए हैं। इनमें राजेंद्र त्रिवेदी, जीतू वघानी, ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, पूर्णेश मोदी और कनुभाई देसाई जैसे अहम चेहरे हैं जिन्हें सबसे पहले शपथ दिलाई गई। राजेंद्र त्रिवेदी को रूपाणी कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री रहे नितिन पटेल की जगह दी गई है और वो भूपेंद्र पटेल सरकार में नंबर 2 होंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश के किसी भी राज्य में एक चलती फिरती सरकार में पूरी सरकार को ही चलता कर दिया गया। गुजरात के राजभवन में जिन 24 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई उनमें से कोई भी विजय रूपाणी की कैबिनेट में मंत्री नहीं था। ये एक नई तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है जो हिंदुस्तान की सियासत में गुजरात से शुरू हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया? सबसे पहले बीजेपी से ही सुन लीजिए कि इसके पीछे उनका तर्क क्या है। भारतीय जनता पार्टी स्थायी रूप से देश में काम करने वाला संगठन है। पार्टी हमारी लगातार आगे चल रही है और पार्टी अपने में से ही एक नई परंपरा और नए नेतृत्व को भी आगे लेकर के कार्य को बढ़ा, और ये इस प्रकार का लोकतांत्रिक प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में भी नए नेतृत्व को आगे नया को बढ़ाते और उसका सातत्य रखते हुए, उसकी कंटिन्यूटी रखते हुए कार्य करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में जिन नो रिपीट फॉर्मूले को अपनाया गया और पूरी की पूरी कैबिनेट ही बदल दी गई, इसके पीछे बीजेपी भले ही नई पीढ़ी को मौका देने की बात कह रही हो, लेकिन यह सच्चाई किसी से छिपी नहीं है कि इसके पीछे चुनावी गुणागणित है। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसीलिए बीजेपी ने इतना बड़ा सियासी दांव चला है। पहले मुख्यमंत्री को बदला गया और फिर सारे मंत्रियों को बदल दिया गया। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदल देना नई बात नहीं है। बीजेपी ने पिछले 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदल दिए। विजय रूपाणी इस लिस्ट में सबसे नए हैं। सबसे पहले बीएस येदियुरप्पा, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और सर्बानंद सोनोवाल को हटाया गया और उनकी जगह किसी और को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन गुजरात में पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदलने के पीछे वजह क्या हो सकती है वो समझिए। सबसे पहली वजह है गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी की काट। गुजरात में कोरोना की दूसरी लहर को जिस तरह से हैंडल किया गया, कोरोना के उस प्रबंधन को लेकर काफी सवाल उठे थे। अप्रैल मई के महीने में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गुजरात में कोरोना को जिस तरह से हैंडल किया गया उसे लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने रूपाणी सरकार पर काफी तल्ख टिप्पणी की थी। दूसरी वजह है पाटीदार समुदाय को ज्यादा तवज्जो।
गुजरात में पिछले चुनावों से जो सबक मिला उससे बीजेपी को ये समझ में आया कि पाटीदारों को ज्यादा अहमियत देने की जरूरत है। इसके लिए पाटीदार समुदाय को मंत्रिमंडल में ज्यादा जगह देनी थी। तीसरी वजह है कैबिनेट में क्षेत्र और समुदाय का संतुलन। स्थानीय निकाय के चुनावों में सूरत में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पैठ बनाई थी, विधानसभा चुनाव में उस प्रभाव को कम करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर फोकस किया जाना जरूरी था। इसलिए नई कैबिनेट में समुदाय और क्षेत्र का संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की गई है। चौथी वजह है 2022 के चुनाव की चुनौती। कहा यह जा रहा है कि गुजरात में पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से विरोधी दलों ने अपना जनाधार बढ़ाया है, उसे देखते हुए अगले साल विजय रूपाणी की अगुवाई में चुनाव में जाना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए बीजेपी ने रिस्क लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा। एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर जनता सरकारें बदल देती है, इसीलिए बीजेपी ने चुनाव से पहले एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहली बात तो जनता में ये संदेश गया कि अगर सरकार ढिलाई बरतेगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा संदेश युवाओं को गया कि अगर इमेज ठीक हुई और पक्ष को लेकर समर्पण रहा तो सत्ता के गलियारों में उनकी भी एंट्री हो सकती है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में जिन लोगों को जगह मिली है उसमें बीजेपी ने अगले चुनाव के हिसाब से पूरी बिसात बिछाई है। एक एक चेहरे को शामिल करने के पीछे जबरदस्त होमवर्क किया गया है। हर समुदाय को साधने की कोशिश की गई है और हर क्षेत्र को मंत्रिमंडल में तवज्जो दी गई ताकि अगले चुनाव में उसका फायदा मिल सके। नए मंत्रिमंडल में सौराष्ट्र से 7 मंत्री, दक्षिण गुजरात से 7 और मध्य गुजरात से भी 7 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि उत्तर गुजरात से 3 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर इस मंत्रिमंडल का सामाजिक तानाबाना समझें तो पाटीदार समुदाय से 7 मंत्री, ओबीसी समाज से भी 7, अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइबल कम्युनिटी से 4, अनुसूचित जाति से 2, क्षत्रिय समाज से 2, ब्राह्मण समाज से 2 और जैन समाज से 1 मंत्री शामिल है। इसे बीजेपी की रणनीति में बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि एक वक्त था जब बीजेपी ने हर उस राज्य में जहां उसकी सरकार थी ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी दी जो बहुसंख्यक समाज से नहीं आते थे और उनको मुख्यमंत्री तक बनाया। मसलन गुजरात में विजय रूपाणी को, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन बीजेपी की रणनीति बहुत ज्यादा सफल नहीं हुई, इसी वजह से एक बार फिर से गुजरात में पाटीदार समाज के नेता को ही मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी इस सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के सहारे 2022 के गुणागणित बिठाने में जुटी है और कांग्रेस इसे बीजेपी की नाकामी बताकर ढोल पीट रही है। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं, मोदी शाह का गुजरात मॉडल खुद को बेदाग दिखाने व अपनी चौतरफा नाकामियों को छिपाने के लिए रूपाणी कैबिनेट के सभी 22 मंत्री कैबिनेट से बाहर। मोदी जी यदि वो सब नाकाबिल थे तो उन्हें मंत्री क्यों बनाया, और काबिल थे तो कैबिनेट से निकाला क्यों? कितना बेवकूफ बनाएंगे, देश जवाब मांगता है। बीजेपी अपने तर्क दे रही है। गुजरात के इस उलटफेर को एक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर ये चुनाव कामयाब रहा तो आने वाले वक्त में दूसरे राज्यों में भी चुनाव से पहले इसी तरह का बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो बीजेपी ने एक प्रयोग किया है, चुनाव होगा, नतीजे आएंगे, उसके बाद ही ये पता चलेगा कि ये बीजेपी का प्रयोग कामयाब रहा या फिर फेल रहा। ABP News आपको रखे आगे।